क्या आप जानते हैं कॉस्मेटिक यूज़ करने के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम बहुत सारे कॉस्मेटिक हर रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे मुलायम त्वचा के लिए मॉइस्चराइज़र, पोषण देने के लिए नरिशिंग क्रीम, ग्लो पाने के लिए फेयरनेस क्रीम और फेस पैक, होठों की सुंदरता के लिए लिपस्टिक। ये वो कॉस्मेटिक्स हैं जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटी किट में किसी एक सामान की कमी आपको बर्दाश्त नहीं होती। इस तरह सुबह से लेकर रात सोने तक न जाने कितने केमिकल कॉस्मेटिक उत्पादनों के माध्यम से हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं। स्किन एक्सपर्ट बताते हैं कि हम कॉस्मेटिक का इस्तेमाल आमतौर पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन जब यही कॉस्मेटिक आपको बीमार बनाने लगे तो शायद महिलाएं कोई भी कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगी। हाल की ICSE की रिपोर्ट पर विश्वास करें तो बहुत सारी बड़ी कंपनियों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हेवी मेटल जैसे आर्सेनिक, कैडमिलियम, लेड, मरकरी, निकेल आदि पाए गए हैं। ये वो मेटल है जो शरीर से लंबे समय तक टच में रहते हैं और इससे कैंसर और त्वचा संबंधी समस्या बढ़ सकती है। आइए देखते हैं किस केमिकल का क्या प्रभाव। बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तय मानक से ज़्यादा केमिकल कॉस्मेटिक यूज़ करती है। इनमें कुछ ऐसे केमिकल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो प्रतिबंधित है, इसके बावजूद उनका इस्तेमाल हो रहा है। त्वचा को नमी देने के लिए मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ज़्यादातर कंपनियों के मॉइस्चराइज़र में मौजूद हानिकारक केमिकल आपकी त्वचा से नमी छीन भी लेते हैं। रेनिटॉल जैसे रसायन एंटी एजिंग क्रीम में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। रेटिनॉल से त्वचा सूर्य प्रकाश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। यही नहीं, इससे त्वचा की परतें हट भी सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने से पहले उस पर लिखे निर्देश को ज़रूर पढ़ें। जिस चीज़ को आपको एलर्जी हो उसे बचें। हाइड्रोक्विनोन रसायन कैंसर कारक होता है। वही शैम्पू में यूज सोडियम लॉरिल सल्फेट त्वचा में खुजली कर सकता है, इससे सिरदर्द हो सकता है। ट्राइथेनोलामाइन नामक रसायन कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट में पीएच वैल्यू को ठीक करने के लिए मिलाया जाता है। इस केमिकल से एलर्जी, त्वचा के रूखापन आदि समस्या हो सकती है। भले ही रंगे बिरंगे बाल आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हो, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इससे इस्तेमाल केमिकल आपके लिए कितना फ्रेंडली है? कुछ शोधों में यह बात सामने आई है कि कुछ कंपनियां हेयर कलर में टार और लेड जैसे केमिकल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करती है। इससे बाल झड़ने, खुजली, जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। वही लेड से मस्तिष्क की तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही इससे मौजूद अन्य हानिकारक रसायनों आँखों और दिमाग पर काफ़ी बुरा असर डालते हैं। इसी तरह वैक्सिंग और ब्लीच क्रीम भी है। इसमें भारी कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनका सेहत पर बुरा असर हो रहा है। ब्लीच क्रीम में इस्तेमाल रसायन आपकी त्वचा में रैशेज, जलन और खुजली जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल से पहले त्वचा पर इसकी जांच कर लें कि यह आपकी त्वचा के लिए सही है या नहीं। यदि आपकी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील है तो कोई भी कॉस्मेटिक यूज करने से पहले स्किन एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। अगर आप तरह तरह की खुशबूदार चीज़ें लगाते हैं, आप जो स्प्रे डिओड्रेंट यूज़ करते हैं उसमें भी कई सारे केमिकल्स हैं। अगर आप तरह तरह की खुशबूदार चीज़ें लगाने की शौकीन हैं तो आपको बता दूं कि बाज़ार में मौजूद कई तरह की फ्रेग्रेंसेस जैसे परफ्यूम, डियो, एयर फ्रेशनर आदि में भी कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। टेलकम पाउडर भी इससे अछूता नहीं है। इसमें यूज केमिकल शरीर में एलर्जी और फेफड़ों में इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। काजल, सुरमा और लिपस्टिक में भी रसायन मिक्स है। केमिकल युक्त काजल आँखों में कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है। लिपस्टिक का केमिकल भी आपके ओठों से नमी को चुरा सकता है, इसलिए लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम का प्रयोग ज़रूर करें। ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो लिपस्टिक लगाने से बचें। सौंदर्य उत्पादक के प्रति ये लापरवाही न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया की कहानी है। जो लोग जागरूक हैं वे अन्य विकल्पों के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या जो इनसे अनजान है। हालांकि पिछले कुछ सालों में केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए लोगों का रुझान हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पादनों की तरफ बढ़ा है। हर्बल प्रोडक्ट के बारे में ब्यूटी एक्सपर्ट बताते हैं कि केमिकल युक्त कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स न सिर्फ त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि सेहत पर भी असर डालते हैं। इनसे बचने का बस एक ही तरीका है, हर्बल प्रोडक्ट्स का चुनाव।
ऐसे उत्पादक इको फ्रेंडली भी होते हैं और त्वचा को हानिकारक प्रभाव से बचाते भी हैं। ऐसे उत्पाद त्वचा के प्राकृतिक तत्वों की सुरक्षा करते हैं और त्वचा को चमकदार रखने में मदद करते हैं। अगर आप भी केमिकल के प्रभाव से खुद को बचाना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक के अन्य विकल्पों पर भी गौर करें। कुछ भी खरीदने से पहले जांच ज़रूर करें। आपके किचन में ही ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने सौंदर्य को बनाने में कर सकती है। शहद, हल्दी, अलसी, बेसन, एलोवेरा, केसर, नीम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल आप त्वचा के लिए कर सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ केमिकल का प्रभाव भले ही आपको तुरंत न दिखे, लेकिन 30-40 की उम्र के आते ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके उलट ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, वो आपकी त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इसमें ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और तेल आदि होते हैं जो त्वचा को पोषण देते। ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स सख्त और हार्मफुल त्वचा से फ्री होते हैं। बाज़ार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कई रेंज मौजूद है जिसमें स्किन केयर से लेकर हेयर केयर प्रोडक्ट भी मौजूद है। इसमें से आप खुद के लिए सही प्रोडक्ट चुन सकते हैं और खूबसूरती को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये कॉस्मेटिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन? ऐसे ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।